शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज मुमरा के अंदर हमारे जो पालक मंत्री हैं एकनाथ शिंदे साहब, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब आज मुमरा में हमारे आए, और जो अमृत नगर दरगाह है फखरुद्दीन साहब बाबा, जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे उन्होंने चादर चढ़ाई और कुछ मन्नतें भी मांगी हैं, क्योंकि इलेक्शन को लेके या उनके जो भी दिल के अंदर थी ये तो वही समझ सकते हैं और खुदा ही समझ सकता है। और पब्लिक के बीच में उन्होंने मतलब बहुत अच्छा मतलब एक मुमरा कौसा को संदेश भी दिया, और कुछ हमारे पत्रकारों वहाँ से चादर चढ़ाने के बाद में नईम खान साहब जो हमारे मेयर रह चुके हैं उनके बंगले में आए, जैसे कि आप देख सकते हो कि उनके साथ खड़े हैं, और उनके बंगले में आके कुछ हमारे पत्रकार लोग उनसे पर्सनल कुछ बात भी की कि सर मुमरा कौसा को लेके आपका नज़रिया क्या है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मतलब एक दिल को छू गई कि हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, हमारे लिए कोई जातवाद नहीं है, या मुमरा हमारे अलग नहीं है थाना से कलवा से, वो भी हमारे अपने लोग हैं। मैं बहुत श्रद्धा से आया हूँ और दरगाह पे चादर चढ़ाए हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ ऐसे जैसे मुस्लिम समाज के बहुत से लोग रहते हैं वहाँ दरगाह पे जाता हूँ और वहाँ पर श्रद्धा से चादर चढ़ाता हूँ। और एक ही मैंने वहाँ दिल में सोचा कि हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की ओर से इस मुमरा कौसा का पूरा विकास हो जाए और सभी लोगों को फ़ायदा हो जाए, ताकि यहाँ की जो भी समस्या है वो पूरी तरह, अभी देखो यहाँ पर कॉरपोरेशन की तरफ से पानी की सेवा हो रही है, रोड बनाए हैं, यहाँ पर बड़ा अस्पताल बन रहा है, बड़ा स्टेडियम बन रहा है, पानी की टंकियाँ हम लोग बनाने वाले हैं। यहाँ मुमरा कौसा में म्यूनसिपैलिटी के कॉरपोरेशन में शिवसेना की सत्ता है, लेकिन कभी भी हम लोगों ने मुमरा को अलग नज़र से नहीं देखा है। ये मुमरा वासी कौसा वासी जो हमारे लोग हैं, हमारे सब इनके साथ भाईचारे के रिश्ते हैं। नईम भाई तो पहले मेयर रह चुके हैं, हमारे सब लोग यहाँ अच्छे हैं, और हम लोग एमपी के माध्यम से, श्रीकांत के माध्यम से और कॉरपोरेशन के माध्यम से बहुत सारा यहाँ विकास किया है, और जो भी बचा है उसे भी और यहाँ पर पूरी तरह विकास के मुद्दे को लेकर आगे ले जाना चाहते हैं, और पूरी तरह डेवलपमेंट यहाँ जो हुई है कॉरपोरेशन के माध्यम से हुई है, इसके आगे जो भी काम करना है वो भी बिल्कुल हम लोग करेंगे। ये तो सब आप लोग जानते हो, काम कौन करता है, बोर्ड कौन लगाता है, लेकिन हम लोग उसमें नहीं जाते। क्रेडिट लेने का काम हम लोग कभी नहीं करते, हम लोग काम करते हैं। लोगों को जो चाहिए, लोगों को जो सेवा चाहिए, उनके जो मूलभूत समस्या है वो छुड़ाने का काम निश्चित रूप से शिवसेना कई सालों से कर रही है। नहीं तो यहाँ के देखो कंक्रीट के रोड है, पानी की टंकियाँ है, अस्पताल बन रहा है, यहाँ पर कई काम है जो शिवसेना के माध्यम से हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ अगर अलग नज़रिए से देखते तो ये काम होते क्या? हम लोग मुमरा कौसा का विकास चाहते हैं, और आप सब लोग जानते हो ये जो रोड बना है, ये रोड तो हमारे म्यूनसिपैलिटी का नहीं था, ये नेशनल हाईवे था, फिर भी जब यहाँ एक्सीडेंट होते थे, मैं लीडर ऑफ हाउस था, सभागृह का नेता था उस टाइम, तब जाके कई एक्सीडेंट हुए, लोगों ने मांग की कि कॉरपोरेशन ने ये रोड बनाना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, तब हम लोगों ने ये नहीं पूछा और ये नहीं देखा कि ये रोड किसका है, वो रोड किसका भी हो म्यूनसिपैलिटी ने उसको पूरी तरह कंप्लीट किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं देख लेता हूँ, जहाँ देखो किसी भी तरह से कोई भी हरकत जो लोगों को नुकसान कर सकती है ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं निश्चित रूप से कमिश्नर जी को कहूँगा, और यहाँ जो भी है कोई अधिकारी गलत तरीके से काम करता होगा उसकी दखल ली जाएगी, और निश्चित रूप से यहाँ लोगों को क्या चाहिए वो दिया जाएगा। और मुमरा के अंदर जो भी विकास का काम है, जैसे कि अभी रेलवे का जो फास्ट ट्रैक का रेलवे का था ब्रिज, मतलब जो दीवार थी आए दिन एक्सीडेंट हुआ करता था, लेकिन उनके लड़के ने श्रीकांत शिंदे ने आके वहाँ पे ओपनिंग की और वो दीवार का काम देखो चालू भी हो गया, बन भी गया है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे मुमरा में कॉन्क्रीट रोड है जो है, उनसे सवाल किया गया, कॉन्क्रीट रोड उन्होंने बनाया, उनका आज शिवसेना का मतलब एक बीएमसी के अंदर एक ये है, तो वो हिसाब से उनका उन्होंने बनाया और कहा, लेकिन हमारे पत्रकार ने कुछ सवाल किया तो कहा कि हम काम करते हैं, हम क्रेडिट नहीं लेते, काम करके हम दिखाते हैं, खाली नाम करके कुछ फायदा नहीं है जब तक काम ना हो। अब मुमरा कौसा में ऐसा ही है,
कि आज मुमरा कौसा में जो काम हुआ है ये सबको पता है। मुमरा कौसा के अंदर चाहे कॉन्क्रीट रोड हो, चाहे बाईपास हो, चाहे ब्रिज हो, वो बहुत पहले का सब सेंक्शन हुआ था और बहुत पहले से ही वो था। उसके बाद जो लोग आए वो लोग उसको खाली खड़े रहे और अपनी क्रेडिट लिए। जैसे कि कहा जाता है, कहावत है कि पेड़ किसी और ने लगाया और फल किसी और ने खाया, ये सेम कहावत वहीं फिट होती है और उसी तरीके से है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए नमस्कार।